होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अस्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट डिस्पाइट द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो समस्थिति यानी होम्योस्टैसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल्स अपना जो आंतरिक पर्यावरण है एन्वायरमेंट है उसको बनाए रखता है बाहर के जो चेंजेस है उस चेंजेस से अपने आप के इंटरनल प्रोसेसेस को पर असर लाने नहीं देता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म आर डायनेमिक एंड रेगुलेट मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स इन द एनिमल बॉडी और हम ये कह सकते हैं कि जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है ये एनिमल के यानी कि होम्योथर्म्स के कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि ग्लूकोज़ की कॉन्सेंट्रेशन डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पीएच आदि को बरकरार रखता है उसमें परिवर्तन लाने नहीं देता है इंटरनल टेम्परेचर चेंजेस may adversely affect many aspect of the animal physiology और ऐसा करना क्यों आवश्यक है क्योंकि जो internal temperature या जो internal environment है यदि वह change होता है बाहर के environment के according तो animal की कई सारी biological process उससे आ, उस पर असर होता है उस पर क्योंकि अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज है और उस इंक्रीज टेम्परेचर के अनुसार इंटरनल टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो इंक्रीज़ टेम्परेचर की वजह से कई सारे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे एंजाइम्स हैं उन वो डीनेचर हो जाएंगे उनका कार्य कर पाना संभव नहीं होगा तो इस वजह से ये बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बरकरार बरकरार रहे जैसे अगर टेम्परेचर अंदर का चेंज होता है तो कई सारे फिजियोलॉजी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी चेंज होती है जैसे एंजाइम के फंक्शन मसल की एक्टिविटी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म सो वी कैन से दैट इंटरनल टेम्परेचर चेंज may adversely affect many aspects of animal physiology including enzyme function muscle activity and energy metabolism therefore animals occupy diverse type of system diverse type of mechanism in order to uh, maintain द बॉडी इक्वलिब्रियम विद द आउटसाइड और इसलिए हमारे शरीर में या और एनिमल्स के शरीर में कई सारे ऐसे मकैनिज़म uh, हैं जिसके द्वारा वो अपना आंतरिक इक्वलिब्रियम अपना आंतरिक इंटरनल जो संतुलन है उसको बनाए रखता है 1932 में कैनन ने होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन दी और उन्होंने ये बताया कि होम्योस्टैसिस इज़ दी कैपेसिटी ऑफ एन एनिमल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होम्योस्टैसिस किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने आंतरिक पर्यावरण को कंट्रोल कर सकता है उसका नियमन कर सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्वीट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो ये अपने आंतरिक जो एनवायरनमेंट है पर्यावरण है उसको बाहर के वातावरण से आ, मैच कर सकता है किस प्रकार से अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, अपने खुद के कार्यकीय जो क्रियाएं हैं उन के अंदर परिवर्तन ला ह्यूमंस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ होम्योस्टास और मानव का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है जो हमारा आ, एक टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है थर्टी सेवन डिग्री सी वो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिसके द्वारा होम्योस्टास को हम समझ सकते हैं ह्यूमन इंटरनल टेम्परेचर के अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं होम्योस्टैसिस के जैसे कि ग्लूकोज लेवल का कंट्रोल में रहना ब्लड प्रेशर का एक आ, कंट्रोल में रहना जैसे ग्लूकोज़ जो है वो एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में हमारे ब्लड में होनी चाहिए उस निश्चित मात्रा से अगर ब्लड ग्लूकोज़ की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया है और यदि उस मात्रा से कम ग्लूकोज़ शरीर में रहता है तो भी हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी ह्यूमन का हंड्रेड प्लस एज बाय एटी होना चाहिए और अगर इसमें कोई भी परिवर्तन आती है तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं ठीक इसी तरीके से कैल्शियम का लेवल जो हमारे ब्लड में है वो भी नियमित कंट्रोल में होना चाहिए ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे शरीर में जो होम्योस्टैटिक प्रोसेस है उसके द्वारा नियमित किए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अ हेल्दी ह्यूमन शुड हैव अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ थर्टी सेवन डिग्री सी इफ टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो थर्टी सेवन डिग्री सी द मेटाबॉलिक रिएक्शन बिकम्स स्लोअर बिकॉज द मॉलिक्यूल मूव स्लोअर एंड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी

जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं ये उस संदर्भ में कहा है कि जो हमारी एक्टिव लाइफ है वो एक नैरो टेम्परेचर रेंज के अंदर सीमित है बियॉन्ड दिस रेंज मैनी एनिमल कैन सर्वाइव इन इनएक्टिव और टॉर्पिड स्टेट और इस रेंज से अगर बाहर की टेम्परेचर आती है तो कई सारे एनिमल्स जो हैं इस इंक्रीज टेम्परेचर को या टेम्परेचर में परिवर्तन को किस प्रकार से सरवाइव uh, कर पाते हैं किस प्रकार से झेल पाते हैं अपने मेटाबॉलिक रेट को स्लो करके या इनएक्टिव करके द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड ऑल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैव द सेम टेम्परेचर एज देयर सराउंडिंग बट बर्ड्स एंड मैमल्स जनरली मेनटेन अ नियरली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंस्पाइट ऑफ वाइट वेरिएशन इन दराउंडिंग टेम्परेचर कई सारे हमारे एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेड्स या कुछ वर्टिब्रेड्स अपने वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर में परिवर्तन लाते हैं पर कई बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं बाहर के वातावरण से अपने इंटरनल टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं होने देते और ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये जो प्रोसेस या फिनोमेना है थर्मोरेगुलेशन कहलाती है व्हाट इज़ थर्मोरेग्यूलेशन इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज रेंज का मतलब होता है इतने से इतना यानी अगर थर्टी सेवन डिग्री सी हमने एक एवरेज बोली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे एक डिग्री ऊपर या एक डिग्री नीचे होगी तो एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है उस पर असर पड़ेगा रेंज का मतलब होता है कि थर्टी uh, सिक्स भी हो सकती है और थर्टी एट भी हो सकती है तो ये रेंज है जो हमारा टेम्परेचर है बिटवीन थर्टी सिक्स एंड थर्टी एट और अगर हम फेर हीट में बात करें तो नाइनटी एट पॉइंट फोर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इन टर्म्स ऑफ फेर हीट और ये टेम्परेचर अगर सौ हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बट हमें फीवरिश महसूस हम करते हैं हमें थकान महसूस होती है 101 हो जाए या 102 हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और पर्सन बीमार हो जाता है अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 है उससे एक डिग्री नीचे जाए Uh, 93.4 हो तो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर इससे भी नीचे चले जाए तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाती है हमें थकान महसूस होती है हमारे कई सारे बॉडी के फंक्शन नहीं हो पाते तो रेंज का मतलब होता है एक एक लिमिटेड नंबर इस नंबर से नीचे अगर हमारा टेम्परेचर जाए और इस नंबर से जो हाई वैल्यू है और लो वैल्यू है इसके बीच में हमारा जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए लो वैल्यू से अगर नीचे जाता है टेम्परेचर तो भी ये हार्मफुल है और जो हमारी रेंज की हाई वैल्यू है उसके ऊपर जाती है तो भी हमारे लिए घातक है यहाँ जो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें लो रेंज वैल्यू थी नाइन्टी थ्री पॉइंट फोर और हाई रेंज वैल्यू थी हंड्रेड तो अगर हंड्रेड से और ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमारे लिए हानिकारक है और नाइन्टी थ्री से और नीचे जाती है वो हमारे लिए हानिकारक है यानी हमारा रेंज क्या हुआ नाइन्टी थ्री पॉइंट फोर से लेके कर हंड्रेड डिग्री फैरन ये हमारा रेंज है और इसको इस नियमन को हम होम्योस्टैसिस द्वारा कर पाते हैं दो प्रकार के एनिमल्स जैसे मैंने आप बताया था पॉइकुलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दोज एनिमल्स इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरीड विद एनवायरमेंटल कंडीशन आर कॉल पॉइकिलोथर्म्स दो प्रकार के एन्वायरमेंट uh, में एनिमल्स रहते हैं एक पानी में और एक जमीन पर पॉइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर अपने वातावरण के अनुसार बदलता रहता है अक्वेटिक पोइलोथर्म्स यानी पानी में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थर्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक पॉइकिलोथर्म is a simple phenomena heat exchange in aquatic animals are largely by conduction and convection thermal environment of aquatic animal is relatively stable still seasonal variation do occur in the surface layer of the sea and lake aquatic poikilotherms can the जो इनका टेम्परेचर हीट एक्सचेंज है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा होता है टेरेस्ट्रियल पोइकिलोथर्म्स दी टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेरेस्ट्रियल पोइकिलोथर्म्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द एनवायरमेंट हाउ एवर टेरेस्ट्रियल एनिमल फेस ग्रेटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन the heat balance of such animal is more related to their water balance as compared to the aquatic animals. in order to raise the body temperature the evaporation and heat loss by conduction are to be reduced and the heat gain by radiation and metabolic heat production are to be increased. poikilotherms can there temperature ka niyaman karna ho though in may. शरीर आ, में हीट को प्राप्त करने के लिए रेडिएशन और मेटाबॉलिक हीट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और बॉडी टेम्परेचर आ, को आ, में वृद्धि लाने के लिए इनमें इवेपोरेशन और कंडक्शन जो है उसको कम करना पड़ेगा लेकिन हम जानते हैं कि पोईकिलोथर्म्स के अंदर ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो बाह्य वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता या घटता है पोई का एग्ज़ाम्पल है लेज़र्ट्स आते हैं जैसे हम देखते हैं सर्दियों में जो लिजर्ट्स हैं यानी छिपकलियाँ हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं और क्योंकि इनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के जितना कम हो जाता है तो इनकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और ये कहीं किसी गड्ढे में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर इनको थोड़ी गर्माहट मिले ऐसी जगह पर जाकर ये सो जाते हैं लिजर्ड एंड अदर रेपटाइल बरो एट नाइट व्हेन द डेजर्ट और माउंटेन टेम्परेचर आर एट देयर लोवेस्ट ठंड के समय जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये कहीं जाके किसी बड़ों में छुप जाते हैं सब हीट फ्रॉम द डे रिमेन अंडरग्राउंड एंड द रेपटाइल्स बॉडी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्रीजिंग और दिन के समय या जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिस भी समय तो ज़मीन उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये गर्मी लजर्ड्स या रेप्टाइल्स को गर्मी प्रदान करती है और जमने से इनको रोकती है यानी ठंड में जमने से इनको रोकती है एट sunrise the द which may मे हैव the द बॉडी as एज लो एज degree डिग्री ड्यूरिंग द नाइट स्लोली from its burrow बरो orient itself टू द sunlight so सो दैट मैक्सिमम हीट इज और दिन के समय जब लिजर्ड अपने गुफा या बरो से बाहर निकलता है अपने छेद जहाँ पर वो रहता है बिल से बाहर निकलता है तो वो सूर्य की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर देता है जिससे कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है जो रात के समय फाइव डिग्री तक चला गया था अब इंक्रीज हो जाए By प्रॉपर ओरटेशन lizard कैन अटेन बॉडी temperature दैट आर एज मच एज thirty डिग्री अबव दैट ऑफ द एयर और इस प्रकार से वो अपना जो टेम्परेचर है पाँच से तीस डिग्री तक कर पाते हैं दूसरे प्रकार के एनिमल्स कैटेगरी होम्योथर्म्स होती है होम्योथथर्म्स आर दी एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशन ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी ये वो जीव होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर परिवर्तन से अपने इंटरनल टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं करते फॉर अ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर द हीट लॉस मस्ट बी इक्वल टू दी gain heat loss occur by the following means first conduction second convection and third radiation conduction